आपके नजर में आदर्श पति कौन है? पति का आइडिया नहीं है कुछ। ये काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो स्वादी पति पे अगर आंसर ना देना तो बहुत लंबा। एक लाइन इधर देखिए, आप भाग रहे हैं, छुप रहे हैं, इनको तो आदर्श पत्नी मिल गई है, क्या उम्मीद है, मिलेगी आपको? बिल्कुल मिलेगी, मेरे लिए 16 सोमवारी करके रख गई है। आदर्श पत्नी स्मार्ट होती है। काका का दुख है कि हम लोग से शादी कौन करेगा? कौन आदमी शादी करेगा? हम लोग गरीब आदमी का शादी नहीं होता। नहीं ना होता है, पैसा ना कुछ ना, तो शादी कौन करेगा हम लोग? पति भी बात मानेगा कि पत्नी से बात मनवाए? देखिए कितना मतलब इन दोनों में प्यार है, नाम लेते ही वाइफ का फोन आ गया। लड़कियों का दर्द फ्रीडम बहुत बड़ी बात है भाई, लड़कियों को फ्रीडम शादी के बाद बहुत कम मिलता है। आपके नजर में आदर्श हस्बैंड कौन है? जो अपना घर वाले का ख्याल रखे, वो अपने वाइफ का भी ख्याल रखेगा। हाँ। तो वही आदर्श वाला हुआ, आदर्श वाला होगा। आपको मिला आदर्श वाला? पूरा पूरा आदर्श वाला। हमको तो मिल गया। आपको मिल गया? तो स्वादी पति पे अगर आंसर ना देना तो बहुत लंबा। एक लाइन में बोल दीजिए, शॉर्ट में, हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं। नथिंग नथिंग। अरे महिलाएं पीछे रहेंगी। ऑलवेज रिस्पेक्ट अ वुमेन्स, दैट्स अ गुड मैन एंड आइडियल हस्बैंड। कि आपके नजर में आदर्श पत्नी कौन है? ये काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि कोई भी इंसान एक जैसा तो होता नहीं है। आपके नजर में कौन है? मेरी नजर में जो बेसिकली अच्छा कुक कर पाए। अरे वाह, क्या बात। पहला पॉइंट, जो अच्छा खा, पेट पे ज्यादा ध्यान देते हैं। हाँ। आदर्श पत्नी कोई नहीं होती है, आदर्श बनाया जाता है। आदर्श बनाया जाता है? वो अपने संस्कार के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस माहौल में अपने पत्नी को रखना चाह रहे हैं, उसको कैसे आप मेंटेन करना चाह रहे हो। आपका आपके नजर में किस तरह से पत्नियों को रहना चाहिए? किस तरह से रहना के रहने से मतलब नहीं, वो हमारा समझे, हम उसका समझे, इसी में हमारा काम चल जाएगा। वो कनेक्शन कभी टूटे नहीं, क्योंकि अगर कनेक्शन टूट जाती है तो उसमें गांठ आ जाती है। और वो अपना जब मोनोपोली उसके ऊपर डालिएगा तो फिर वो अपने माइंड से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी, फिर वो उल्टा पलटा कुछ काम करेगी। इसके वजह से आप उसका सुनिए और मेरा वो सुने, उसे को समझना चाहिए ना, चाहिए उसी में लाइफ सेटल है। अच्छा, शादी वादी तो हो गई है, बहुत एक्सपीरियंस भी लग रही हैं। सवाल मेरा आप ही लोगों के लिए है कि महिलाओं के नज़र में आदर्श पति कौन है? आदर्श पति कन्फ्यूज, आदर्श पति पति होता है, पति पति पतीला होता है। पतीला कैसे हो जाएगी जी? तो आदर्श पति कोई तो होगा ना, जो अच्छा काम करता होगा, बीवी का केयर करता होगा। आपके नज़र में कौन होता है? तो पति होता है ना, जो हस्बैंड होता वही ना, जो आदर्श आदर्श वही ना होते हैं महिलाओं के नज़र में, आपके नज़र में? हमारे नज़र में कौन? अपने पति। काकी अपने ही पति के बारे में बोल रहे हैं, मतलब आदर्श मतलब कैसे आपको उनका काम अच्छा लगता है, आपका केयर करना या फिर जो भी कुछ, तो अच्छा लगता है? हम लोग काम करते हैं उनमें, वो हेल्प करते हैं हमारे में, वो आदर्श पति। हाँ। मतलब बीबी का हेल्प करना आदर्श पति का निशानी है, आते सो मानते हैं, मानते हैं, मेरे नजर में है, मानते हैं ना। हाँ। देखिए देख रहे हैं आपके पति। मानते हैं। हाँ। चलिए ठीक है, आप बताइए आपके नजर में आदर्श पति कौन होगा? आप पढ़ी लिखी हैं भाई, आज की युग की लड़की हैं, क्या कहेंगी? जो हमारे जनरेशन के साथ, हमारी सोच के साथ जो चल सके। चल सके, वाह क्या बात है, क्या जवाब दिया आप, बताइए। नई नई शादी हुई है? सेम 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 सेम। क्या जो हमारे जेनरेशन के साथ सोच मिले? सोच मिले। हाँ। सोच नहीं मिलेगा तो मार मार के मिलवाइए। नहीं, मार मार के नहीं मिलवाएंगे, समझा के मिलवाएंगे। आप लोग मत भागिए, आपसे भी पूछेंगे, आपसे भी पूछेंगे आपके नज़र में आदर्श पत्नी कौन होगी? भैया स्माइल कर रहा है। देखिए आज टॉपिक बहुत बढ़िया लेकर के आए, हमारे व्यूअर्स को बहुत पसंद आएगा। ये जवाब देगा? आप नहीं जवाब? नहीं नहीं। शादी वादी हो गई है? कुछ तो पत्नी यही है, आदर्श पत्नी का कोई निशानी बता दीजिए। केयर करे, पति का केयर करे, आप बताइए। माँ बाप का मदद करे, साथ दे, केयर करे पति का अपना, यही सब। और आदर्श? हाँ पत्नी। जी। और आदर्श पति? पति क्या, जो पत्नी का, पत्नी जो बोले करे, माँ बाप बोले वो भी करे सब चीज। और क्या, क्या बात है। चलिए भैया शर्माते शर्माते बता दिए। कौन है? पति है, दूसरा कौन है? पति हेल्प करता है, सब कुछ करता है पति। पति हेल्प करते हैं? हाँ हेल्प करते हैं। बहुत लोगों के नहीं करते हैं, हम लोग करते हैं जी। बहुत लोगों का पति पतीला होता है, बीवी को नहीं समझता है, लेकिन बहुत लोग सपोर्ट भी करते हैं। नहीं, हम लोग करते हैं। हाँ।
नहीं नहीं चलिए चलिए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और चलिए और लोगों से ही बात करेंगे। भैया बताइए, मरीन ड्राइव आई हुई है भाई, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही नज़ारा बदला हुआ लग रहा है नहीं? जी बहुत अच्छा लग रहा है आज यहाँ पे मरीन ड्राइव आके। पढ़ती वर्ती हैं जी? किस क्लास में पढ़ती? बीएड कंप्लीट हुआ अभी। बीएड कंप्लीट हो गया, वहाँ लग नहीं रहा है लेकिन। अच्छा मेरा सवाल ये है कि आपके नज़र में आदर्श पति कौन है? पति का आइडिया नहीं है कुछ। सवाल सुन के लोग हंस क्यों रहे ये बताइए। फिर भी फ्यूचर में जो भी है कुछ तो थिंक होगा कि भाई ऐसा हो। मेरे पापा की तरह। पापा आदर्श हैं? जी बिल्कुल। आपके आदर्श पिता आपकी माँ के लिए आदर्श पति हैं? जी बिल्कुल। क्या करते हैं? एसएस हैं। मतलब करते क्या है बीवी के लिए? पूरा ख्याल रखना जो एक वाइफ को चाहिए। जी क्या बात है, आप बताइए। मानने वाला हो पति। क्या बात है, आप बताइए। मैं क्या बताऊँ, मुझे खुद ही नहीं पता है। फिर भी कुछ तो दिमाग में होगा ना भाई, आज की लड़कियां हैं तो कुछ तो होगा। जी बस अच्छे से केयरिंग करें थोड़ा, मतलब जैसे आज के जो माहौल है बाहर और घर का, थोड़ा उस वो चीज़ होना चाहिए कि एक वाइफ हो, उसके बाहर और अंदर का सब चीज़ का केयरिंग रखना चाहिए। अच्छा बीबी का केयर करे और बीबी को समझे, यही ना? बिल्कुल, एक दूसरे को दोनों को समझ के बैलेंस करके चले। आप क्या बोल रही हैं? अभी उस कंडीशन में नहीं, बच्चे नहीं है, बच्चे नहीं है, सब बड़े हो गए हैं। और लोग सोचते भी है भाई कि फ्यूचर में ऐसा मेरा प्रिंस आए, मेरा राजकुमार ऐसा हो, क्या कहेंगे? आदर्श पति कैसा होना चाहिए? आदर्श पति कैसा होना चाहिए? आदर्श पति ऐसा होना चाहिए जो अनकंडीशनल लव करे, और अगेन अपनी वाइफ के हर एक चीज़ों का ख्याल रखे। अगर जॉब कर रही हैं तो उसमें वो सपोर्टिव हों, ये ना कहें कि आप लड़की हो आप घर पे रहो, जब आपने पढ़ाई की है तो आप जाओ, आप भी जॉब कर सकते हो। इस तरीके से एक दूसरे का ख्याल करना और सपोर्ट करना हर एक चीज़ों में, तभी लाइफ आगे अच्छी से बढ़ती है। अदरवाइज लाइफ फिर मुश्किल हो जाता है, दोनों की थिंकिंग ना मिले। ऑफ कोर्स थिंकिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि दोनों की जो माइंड है वो एक जैसा होना चाहिए, कि एक दूसरे को समझे और आगे जाने के लिए सपोर्ट करे, चाहे वो किसी भी लाइन में हो। चाहे लड़की कुछ और करती है तो उसको उसके लिए उसको हौसला दे कि हाँ आप कर, फ्रीडम जरूरी है, जरूरी है। फ्रीडम इज वेरी इम्पोर्टेंट, सब लड़कियां यही चाहती। महिला बोल नहीं रही, लड़कियां बोल नहीं रही कि सबसे पहला वही कि भाई मुझे फ्रीडम चाहिए। और हाँ फ्रीडम चाहिए, और हाँ उनको हर एक चीज में सपोर्ट करें, और दिल से अच्छा होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए, देखिए बहुत बढ़िया बात बोलिए, दिल से अच्छा होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि देखिए जो ऐसे पति होंगे जो आदर्श नहीं होंगे, आप लोग का वीडियो देख के आदर्श हो जाएंगे भाई। आप बताइए। खिलाने इस टॉपिक बहुत बढ़िया है भाई, कुछ लड़कों को तो भाई दिमाग खुलेगा कि मुझे ऐसा बनना है। ऐसा पति चाहिए जो हर कंडीशन में आपका सपोर्ट करे और फ्रीडम दे। हाँ ये लड़कियों का दर्द, फ्रीडम बहुत बड़ी बात है भाई। लड़कियों को फ्रीडम शादी के बाद बहुत कम मिलता है। आप लड़कियां पहले हंस रही हैं उसके बाद जवाब दे रही हैं। फ्रीडम दे और केयरिंग करे और क्या। चलिए अब हम लोग मुहिम चलाएंगे भाई, शादी के बाद लड़कियों को फ्रीडम चाहिए, बस मुहिम चलना चाहिए। नहीं कि आपके नजर में आदर्श पत्नी कौन है? शादी नहीं तो कैसे बताऊं? कुछ तो दिमाग में होगा, आदर्श पत्नी किसे कहते हैं? पहले अनुभव ले लूं उसके बाद बताइए। बताइए। नो आइडिया। काका आप हंस रहे, शादी वादी हो गए? किनका ना, हमारा शादी उदी अभी नहीं हुआ है। काहे नहीं किए, इतना उम्र हो गया। हम लोगों से कौन शादी करेगा जो शादी करेंगे, बताइए। दुख है काका का, दुख है कि हम लोग से शादी कौन करेगा? कौन आदमी शादी करेगा? हम लोग गरीब आदमी का शादी नहीं होता। नहीं ना होता है, पैसा ना कुछ ना, तो शादी कौन करेगा हम लोगों से? गरीब आदमी का वही ना। बताइए तो काका बोले गरीब आदमी का शादी नहीं होता है, तो सरकार को ध्यान देना चाहिए और गरीबों की शादी करवाना चाहिए, है ना काका? हाँ। कोई पसंद है लड़की? ना ना, हमारा कोई लड़की पसंद। शादी करने का मन है? नहीं नहीं, शादी करने का मन नहीं, नहीं। आदर्श पत्नी कौन है? मेरी पत्नी ही नहीं है। पति का पूजा करे, जो बात माने और क्या, और कुछ नहीं, जो सेवा। बात यानी मनवाना है। पति भी बात मानेगा कि पत्नी से बात मनवाएगा? पति बात नहीं मानेगा कहाँ जाएगा। आदर्श पत्नी मिली? एकदम आदर्श पत्नी ही मिली है। क्या
निशानी है आदर्श पत्नी का? हस्बैंड को प्रॉपर वो सेवा करे, हस्बैंड जो बोले उसका बात माने। अच्छा, सेवा वो करती है ना प्रॉपर एकदम। चलिए, बहुत आ गया क्या आवाज? वाइफ का फोन आ गया, वाइफ का ही फोन आया है। देखिए कितना मतलब इन दोनों में प्यार है, नाम लेते ही वाइफ का फोन आ गया है, क्या बात है। चलिए ठीक है भैया, इनको तो आदर्श पत्नी मिल गई है, क्या उम्मीद है, मिलेगी आपको? बिल्कुल मिलेगी, मेरे लिए 16 सोमवारी करके रख गई है। शादी नहीं हुई है अभी? अभी हुई नहीं है। 16 सोमवारी करती है शादी? बिल्कुल। शादी पलट गई तो आदर्श नहीं निकली? आदर्श निकले, अगर नहीं निकलेंगे तो उसको हम समझाने का प्रयास करेंगे। समझाइएगा। बिल्कुल, आदर्श पत्नी का निशानी है 16 सोमवारी करें? नहीं नहीं, ये उसका क्राइटेरिया नहीं है, वो उसका अपना ह्यूमन बिहेवियर होना, दोनों फैमिली में अच्छे से सामंजस्य रखे और दोनों फ्रेंडली रहे, ऐसा नहीं उसका विचार उस पर नहीं थोपे, वो उसका विचार उस पर नहीं थोपे, ठीक है? दोनों का उसके उधर भी पेरेंट्स, इसके भी पेरेंट्स, दोनों इक्वल मतलब सोच विचार के होने चाहिए। बहुत अच्छा भाई, लड़कों का जवाब भी A1 है भाई। इधर देखिए, आप भाग रहे हैं, छुप रहे हैं, नज़र आप पे है भाई, कौन है आदर्श पत्नी, कोई है आपके नज़र? नहीं नहीं है। कैसी होती है आदर्श पत्नी? कैसी, स्मार्ट होगी और क्या। आदर्श पत्नी स्मार्ट होती है? आदर्श पत्नी स्मार्ट होती है तो ये तो फिर मतलब अंदर कुछ और ही निकल जाएगा। तो इनको पूछे, इनको पूछे, मतलब इनको स्मार्ट पत्नी चाहिए? दोनों लोग का हाव भाव जो सेम होना चाहिए। हाँ, अच्छा, हाव भाव मतलब कि मतलब वो उठे तो ये भी उठे, वो बैठे तो वो भी बैठे। क्या होता है मैडम, ये तो पूछिए, मतलब कैसा हाव भाव? प्लीज इलैबोरेट। बात माने उसकी और उसकी बात हम माने। अच्छा। और मतलब बस ये बहुत अच्छा है, बात एक दूसरे का मानना चाहिए, सही बात है। ये क्या है, चिकन? अरे वाह, चलिए एंजॉय करिए भैया चिकन। कितने को देख के मुंह में पानी आ गया।